इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है। मीटर रूल वर्नियर कैलिपर के होते हुए हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो चलिए जानते हैं। मीटर रूल से हम जो कम से कम लेंथ को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, वो है 1 मिलीमीटर। और वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर से हम जो कम से कम लेंथ को मेजर कर सकते हैं वो है 0.1 मिलीमीटर। तो इसके मुकाबले में हमारे पास जो स्क्रू गेज है ये एक बेहतरीन डिवाइस है, जिसकी मदद से हम 0.01 मिलीमीटर तक की जो पैमाइश है, जो मेजरमेंट है लेंथ की, वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये मेटल के बने हुए एक यू शेप फ्रेम से बना होता है, जिसके एक जानब मेटल का स्टड लगा होता है, एक खाली सिलेंडर जिस पर मिलीमीटर मार्क्स लगे होते हैं। ये मिलीमीटर मार्क्स एक लाइन के ऊपर होते हैं जिसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। इंडेक्स लाइन एक लाइन होती है जो कि सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल होती है। इसके अलावा एक और इसका अहम हिस्सा थिम्बल होता है। थिम्बल के अंदर एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है। थिम्बल घूमता है और थिम्बल के मूव करने से यानी घूमने से स्पिंडल आगे की तरफ मूव करता है स्ट्रेट। अगर हम थिम्बल को एक बार घुमाएं तो स्पिंडल 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो थिम्बल के एक मुकम्मल चक्कर से स्पिंडल जितना मूव करता है, इस फासले को हम पिच कहते हैं, जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। थिम्बल के ऊपर 0 से लेकर 100 तक डिवीजन्स होती हैं, इसको हम सर्कुलर स्केल भी कह सकते हैं। अब हम इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं। लीस्ट काउंट से मुराद वो कम से कम मेजरमेंट होती है जो हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास 1 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल हमारे पास 100 हैं। तो आप 1 मिलीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0.01 मिलीमीटर।